दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जहां पर कल के दिन आपको कंपनी स्प्लिट देने जा रही है। ये स्प्लिट हमें 1:10 के रेशियो में देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो शेयर आज के दिन आपको 200 रुपये की प्राइस पर देखने को मिल रहा है, ये शेयर कल से आपको 20 रुपये पर देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम आपके सामने विजिबल है, आप कंपनी का नाम भी देख सकते हैं, वरिमन ग्लोबल इंटरप्राइजेस लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आज के दिन आपको 5% का अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम इसको तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अडानी पावर के अंदर भी एक ब्रेकआउट की तैयारी आपको देखने को मिल रही है। तो क्या लेवल्स आपको अडानी पावर के अंदर अब लेकर चलना है, उसे भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। परिमन ग्लोबल की बात करें तो ये एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को नहीं मिलता है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी शेयर्स काफ़ी महंगा अभी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इसके वैल्यूएशन की बात करी जाए तो बहुत कम वैल्यूएशंस पर ये शेयर देखने को मिलता है। हालांकि अगर पिछले एक महीने के रिटर्न्स की बात करें तो 25% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। वहीं पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 400% के रिटर्न्स यहां पर वरिमन ग्लोबल ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। मैक्सिमम ईयर्स की बात करी जाए तो लगभग 2000% के रिटर्न्स यहां पर ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो स्प्रिंगफील्ड इंफ्रा वेंचर्स इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड सर्विसेज। तो यहाँ पर कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, 358 करोड़ रुपए का सिर्फ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज भी ना के बराबर है, लेकिन ये अच्छी बात है कि 358 करोड़ रुपए का मार्केट कैप होने के बावजूद भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती आ रही है। यहाँ पर अगर बात करी जाए कंपनी के ROC और ROE की, तो वो बहुत ही वीक हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात कर ले वरिमन ग्लोबल के फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ नजर मारें तो सबसे पहले आप कंपनी की सेल्स देखेंगे। अभी क्वार्टर वन के नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन अगर हम मार्च क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने 23,46,00,000 रुपए की सेल्स जनरेट करी थी क्वार्टर फोर के अंदर, जिसके सामने अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल लॉस डिक्लेयर किया था 60,00,000 रुपए का, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होने के कारण कंपनी यहां पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई थी। वहीं अगर हम कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो 1,06,00,000 रुपए की कंपनी ने अदर इनकम जनरेट करी थी, और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13,00,000 रुपए का कंपनी ने नेट लॉस डिक्लेयर किया था क्वार्टर फोर के अंदर। तो ओवरऑल फाइनेंशियली भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा वीक हमें देखने को मिलती है। और अगर कंपनी की डेट परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के ऊपर 18 करोड़ रुपए का कर्ज है और प्रॉफिट कंपनी का बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर इस कंपनी को मैं एक सिंपल वर्ड में अगर आपको यहाँ पर कवर करूँ तो ये एक हाईली रिस्की कंपनी देखने को मिलती है। बाकी लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हमें लगभग 30% की देखने को मिलती है। मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। वहीं अगर FII की बात करी जाए तो FII ने इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रखी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी हमें इस कंपनी के अंदर स्टेक देखने को मिलता है। वहीं पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करी जाए तो 67% का स्टेक पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास में देखने को मिलता है। अब बात करें कि यदि आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रखी है तो कल के दिन आपको शेयर्स के ऊपर नजर बनाए रखनी है, क्योंकि कंपनी ने 1:10 के रेशो का स्प्लिट अनाउंस किया था, यानी कि यही 200 रुपए का शेयर कल से आपको 20 रुपए पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर कल के दिन आपके पोर्टफोलियो में गिरावट शो होती है तो आपको पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि स्प्लिट के कारण आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर विद इन अ 15 डेज क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और अगर उसके बाद भी अगर जो ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं किए जाते हैं तो आपकी जो भी ब्रोकरेज फर्म है उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो डायरेक्ट आप NSE और BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन आपको अगेन इस शेयर्स के अंदर 3-3.25% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पावर सेक्टर कंपनियों के फाइनेंशियल नंबर्स काफी अच्छे हमें देखने को मिले। अडानी पावर की भी बात करी जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आए हैं, और अब क्लियर कट हमें यहां पर एक ब्रेकआउट बनते हुए देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, पिछले एक महीने के अंदर अडानी पावर का शेयर लगभग 18% से भी ज्यादा के रिटर्न बनाकर दे चुका है। वहीं अगर बात करें कंपनी के रिटर्न्स के बारे में तो यहां पर अब जो एक फ्रेश ब्रेकआउट बनने की तैयारी में है और उस लेवल्स को भी जानने की कोशिश करें तो 350 रुपए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस
अडानी पावर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ये शेयर क्रॉस करेगा, देन हमें जो नेक्स्ट टारगेट है अडानी पावर के अंदर, वो हमें लगभग 400 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि अडानी पावर के अंदर आज के दिन ट्रेडिंग में वॉल्यूम बेस्ड काम कैसा देखने को मिला। तो आज के दिन इस शेयर्स के अंदर 1,17,62,358 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसके सामने 49 लाख क्वांटिटी सिर्फ डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। और यहां पर डिलीवरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो 42% का देखने को मिल रहा है, यानी कि काफी अच्छा डिलीवरेबल बेस काम डेली बेसिस पर अडानी पावर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, शेयर्स अभी हमें थोड़ा सा ओवरबोट जोन में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आपका व्यू आने वाले 5 से 10 सालों का है, और अगर आप किसी थर्मल पावर बेस्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा फोकस में हमें देखने को मिल रही है, तो आप इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर बेस्ड कंपनी अडानी पावर के अंदर खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। लेकिन बात करें कि यहाँ पर शेयर ओवरबोट जोन की कैटेगरी में है, तो किन लेवल्स पर आपको खरीदारी करनी है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अडानी पावर का शेयर हमें 300 रुपये से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार रिवर्ट होते हुए देखने को मिला। तो 300 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल इस कंपनी के अंदर वर्क कर रहा है, जिसके चलते अगर आप अडानी पावर के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो 300 रुपये के लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। 300 रुपये से लेकर 315 रुपये के बीच में अगर ये शेयर आपको अवेलेबल होता है तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करें कि खरीदारी कैसे करना है। अगर शेयर 315 पर आता है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अडानी पावर के अंदर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिंगल इन्वेस्टमेंट आप कर दें। अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले 50 शेयर खरीदिए, देन फिर अगेन आप यहाँ पर 50 शेयर खरीद सकते हैं। ऐसे करके आप पार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उससे होगा क्या, आपका जो एवरेज रहेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा, और लॉन्ग टर्म पर्पज़ से आपको वो कभी भी गलत नहीं रहेगा। अडानी पावर के अगर मैक्सिमम ईयर्स की रिटर्न्स की भी बात करी जाए तो 228% के रिटर्न्स अडानी पावर ने मैक्सिमम ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए हैं। साथ ही साथ पिछला एक साल तो अडानी पावर के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी शानदार रिटर्न्स हमें पिछले एक साल में अडानी पावर के अंदर देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप अडानी पावर के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो 300 रुपये से लेकर 315 रुपये के बीच में अगर ये शेयर आपको अवेलेबल होता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्प्लिट को लेकर भी जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आपको ग्लोबल मार्केट की भी सारी अपडेट्स कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अडानी पावर से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।